टेराकोटा म्यूजियम जिसका जिक्र आपसे कुछ ही देर पहले हम कर रहे थे, जिसकी दर्शन के लिए, जिसको देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होटल से रवाना हुए थे, वहां पर अब वो पहुंच चुके हैं टेराकोटा म्यूजियम। साथ ही आपको ये बता दें कि इस म्यूजियम की बेहद ऐतिहासिक महत्वता है। इसे चीन के वॉरियर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे टेराकोटा म्यूजियम। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जब नरेंद्र मोदी अपनी चीन यात्रा में सबसे पहले देखने पहुंचे टेराकोटा म्यूजियम। उनके साथ कई चीनी अधिकारी भी मौजूद हैं जो उन्हें इस म्यूजियम के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ पर सैलानी पहुँचते हैं टेराकोटा म्यूजियम देखने के लिए, क्योंकि अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर जो चीनी युद्ध में सैनिक थे उन्हें टेराकोटा में उतारा गया है, यानी कि उनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी म्यूजियम में मौजूद हैं। टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम इसका नाम है और यहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। इस म्यूजियम में जो सैनिक हैं, जो चीनी युद्ध में शामिल हुए थे, साथ ही उन्होंने जिन घोड़ों का इस्तेमाल किया था उन घोड़ों पर सवार इन सैनिकों को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। और इस म्यूजियम को किन शी हुआंग ने बनाया था, जो पहले एम्परर थे चाइना के, और इसे 11 साल लगे थे बनने में। इस म्यूजियम को 11 साल में बनाया गया और कई सारे इस म्यूजियम में चीजें और वस्तुएं रखी गई हैं जो इन्हीं एम्परर यानी कि किन शी हुआंग के जीवन को दर्शाती हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी अधिकारियों से घिरे हुए हैं, साथ ही भारतीय दल के भी कई अधिकारी मौजूद हैं जो इस म्यूजियम को देखने पहुंचे हैं। 1975 में इस म्यूजियम को बनाने की शुरुआत हुई थी और इसे 13 साल लग गए थे बनने में। टेराकोटा के वॉरियर्स और घोड़ों को एक तरह से लैंडमार्क माना जाता है यहाँ पर, जो लोग पहुँचते हैं देखने के लिए। और लाइफ साइज टेराकोटा की फिगर्स यानी कि लाइफ साइज टेराकोटा की जो सैनिक बनाए गए हैं, वो किस तरह से उनका कद था उस समय में युद्ध के दौरान, उसके हिसाब से बनाया गया है। यानी कि अगर युद्ध में उनका ऊंचा कद था, वो ऊंचे पद पर थे, तो उनका यहाँ पर जो मूर्ति है वो उतनी ही ऊंची होगी। अगर छोटे कद पर थे तो छोटी मूर्ति यहाँ पर नजर आएगी। अंजना कश्यप हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजना, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहाँ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर जा चुके हैं नेहा, और बहुत ज्यादा सुरक्षा के आज इंतजाम किए गए हैं। तो तमाम जो टर्शरी रोड्स वहां से आगे पीछे हैं उन सबको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब वो लम्हा जिसके जरिए वो चीन के लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो ऐतिहासिक धरोहर है जिस पर इस वक्त चीन गर्व करता है, और वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत कर रहे हैं। तो जैसा कि टेराकोटा वॉरियर्स हम लगातार दिखा रहे हैं अपने योद्धाओं की, ऐसी मूर्तियां मिट्टी से बनी हुई है, लोकल है, पूरा एसेंस एक तरह से जो सार चीन देश का है वो सब कुछ उसमें समाया हुआ। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे की शुरुआत कर रहे हैं, तो धरोहर को सलाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जो यहाँ की जनता के साथ जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि इस धरोहर के जरिए, ऐतिहासिक धरोहर के जरिए चीन के लोगों के साथ एक भावुक रिश्ता जोड़ा जाए। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अंदर जा रहे हैं और वो अब अपनी आंखों से देख पाएंगे नेहा, वो जो शायद जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था
बहुत दिलचस्प है, अगर कोई टूरिस्ट आएगा, पर्यटक आएगा हिंदुस्तान से, तो वो भी इन्हीं जगहों पर सबसे पहले जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वही कर रहे हैं, यानी कोशिश ये है देख पा रहे हैं इस वक्त फोटो अपॉर्चुनिटी चल रही है और तस्वीरें खिंचवा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया था नेहा, अभी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, पहली मुलाकात ही होगी जब वो शिंगशांग मंदिर से होंगे, उसके बाद होंगे। तो यहाँ पे जो शांति प्रांत के जो गवर्नर है लू शिंगशांग, वो उनके साथ हैं और वही उन्होंने ही भव्य स्वागत भी उनका किया था एयरपोर्ट पर। तो अभी फोटो अपॉर्चुनिटी बहुत लंबा हिस्सा है जो मेन गेट है वहां से अंदर जाने का, जो आम लोग हैं उनके, उसके बाद एक कोर्टयार्ड है बीच में जिसके तीन तरफ पे अलग अलग पिट्स हैं। एक पिट जो मेन पिट है उसमें 3,000 योद्धा मिले थे, तो 3,000 जो मिट्टी के योद्धा वहां पर मिले थे, उनकी मूर्तियां मिली थी। ऐसे ही दो पिट और हैं, अभी भी खुदाई का काम चल रहा है। तो ये सारा नजारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आंखों से देखेंगे, फोटो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ की तस्वीरें अब आने वाले वक्त में दोनों देशों के रिश्तों में, कूटनीतिक कहते हैं कि कई बार अगर मेज पर है तो कैमरे के लेंस में भी है, उसी का एक हिस्सा ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ फिलहाल। तो अंजना हमारी संवाददाता हमें बता रही है किस तरह से वहां पर टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं इस जगह की ऐतिहासिक महत्वता के बारे में। और जैसा कि अंजना जानकारी दे रही थी और बता रही थी कि जो म्यूजियम है वो तीन पिट्स में विभाजित है, पिट 1, पिट 2, पिट 3, और यहाँ पर अभी भी खुदाई का काम चल रहा है। जो वॉरियर्स हैं, जो योद्धा हैं, उनकी मूर्तियाँ निकल कर आ रही हैं और मिट्टी की यहाँ पर हजारों मूर्तियाँ मौजूद हैं। 1976 में जो पिट नंबर 2 है उसे पाया गया था और यहाँ पर भी हजारों की संख्या में योद्धाओं की मूर्तियाँ मिली थी। पहले शासक किन शी होंग ने इसका निर्माण कराया था, जैसा कि हम आपको बता रहे थे 13 साल लग गए थे इसे बनाने में, 7 लाख मजदूरों ने इस टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम को बनाया था। ये इसकी लंबी ऐतिहासिक महत्वता है, जो कोई भी शियान शहर पहुंचता है वो पहले टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम जाता है क्योंकि यहाँ पर चीन का इतिहास देखने को मिलता है। 29 मार्च 1974 में हुई थी टेराकोटा वॉरियर्स की खोज, तभी से चला आ रहा है ये सिलसिला। जो कोई भी शियान शहर पहुंचेगा वो सबसे पहले टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम जरूर जाएगा और ऐसा ही किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शियान में मिट्टी की हजारों मूर्तियां देखने पहुंचे हैं इस टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम में और यहां पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। आज पर्यटक तो वहां पर, चीनी अधिकारी जरूर प्रधानमंत्री के इस पूरे कार्यक्रम में उनके साथ चल रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं इस जगह के बारे में, साथ ही ये भी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से पिट 1, पिट 2, पिट 3 जिसमें इसे विभाजित किया गया है, इस जगह को, इस म्यूजियम को, वहाँ पर कैसे धीरे धीरे खुदाई हुई, कैसे योद्धाओं की मूर्तियाँ वहाँ पर सामने आई और किस तरह से इन योद्धाओं का कद वहाँ पर निर्धारित किया गया। जिस तरह से उनका युद्ध में कद था उसी तरह से यहाँ पर म्यूजियम में भी उनका कद देखने को मिलता है। करीब 7,000 योद्धाओं की मूर्तियाँ, उनके घोड़े, उनके जो साथ में जो अस्त्र शस्त्र थे वो सभी यहाँ पर खुदाई के दौरान पाए गए और इनका लगातार यहाँ पर जो है जानकारी देने का सिलसिला चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरह से ये जगह बेहद महत्वपूर्ण है और महत्वता इसकी इस तरह से भी नज़र आती है कि सबसे पहले जब शियान शहर वो पहुँचे हैं तो उन्होंने ये म्यूजियम देखने का कार्यक्रम शामिल किया है। अंजना हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंजना, हम देख पा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री एक एक बारीकी समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस जगह की इतनी ज्यादा महत्वता क्यों है। और महत्वता इसलिए भी सामने आती है क्योंकि आप जैसा कि बता रही थी कि सबसे पहले इसे कार्यक्रम में शामिल किया गया है मोदी के, सबसे पहले वो यही म्यूजियम देखने पहुंचे हैं। बिल्कुल नेहा, और एक तरह से ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं जो हमारे दर्शक इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इतिहास ऐसे दो देशों को जोड़ रहा है। इतिहास इसलिए क्योंकि 1974 में अचानक कुछ किसान थे जिन्होंने यहाँ पर खुदाई की, उन्हें टेराकोटा की यानी मिट्टी की, चीनी मिट्टी की कुछ चीजें दिखी, फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को उसको दिया गया, फिर खुदाई की शुरुआत हुई और धीरे धीरे जो तस्वीर उभरी
उसने चीन के ऐतिहासिक धरोहर में एक नया अध्याय खोल दिया। ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिस पर चीन को इस वक्त बहुत गर्व है। अगर यहाँ पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, आप पहुंचेंगी तो आपको अंदाजा लगेगा कि चीन किस तरह से इस ऐतिहासिक धरोहर को देख रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर पूरी तैयारी इस इलाके में हुई है। एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये बन गया है। जो महत्व किया जाता है उसमें यही की जानकारी, जो आपको यहाँ पर गाइड है वो बताते हैं कि एक राजा थे, कई तमाम दिलचस्प बातें इससे जुड़ी हुई। राजा थे, वो चाहते थे कि हमेशा वो अमर बने रहे। इस तरह की सेना उन्होंने खड़ी की थी, लेकिन पुरातत्व के हिसाब से देखें तो 2000 साल से ज्यादा पुरानी मूर्तियां बताई जाती हैं। यहाँ पर चीनी मिट्टी की बनी हुई है, जो हम अपने दर्शकों को इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो एक पिट है यहाँ बीच में, जब आप जाते हैं पिट वन, उसमें सामने लंबी कतारें, बीच में जो मिट्टी का हिस्सा दिख रहा है जो कतारों को अलग करती है, वो मिट्टी का हिस्सा वैसा ही है, उसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन जो बीच में सेनानी, जो योद्धा दिखते हैं, जैसे आर्मी इन्फेंट्री आगे मार्च करती है, ठीक वही नजारा दिखता है। लाइफ साइज मूर्तियां हैं, यानी जो कद एक आम इंसान का होगा उतनी ही बड़ी ये मूर्तियां हैं। तो बहुत ही भव्य नजारा होता है। जैसे ही आप हॉल में घुसेंगे आपको लगेगा जैसे ये सारे मार्च करके इन्फेंट्री के आगे बढ़ रहे हैं, और कई सारे ऐसे भी हैं जिनके सिर कटे हुए हैं। तो वो नजारा भी बहुत जबरदस्त छाप छोड़ते हैं। और कुल मिलाकर ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, ये वो म्यूजियम है जिसके जरिए चीन ने शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफर की। तो इसी के जरिए प्रधानमंत्री के लिए भी दिलचस्प होगा जानना, जितने टूरिस्ट हैं यहाँ पर वो एक किसी ना किसी गाइड के जरिए अंग्रेजी में समझने की कोशिश करते हैं कि इसका पौराणिक रूप से, इसका ऐतिहासिक रूप से क्या महत्व है। और वही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। जब आप एंट्री भी करेंगे तो बहुत ही दिलचस्प तरीके से पर्यटक के नजरिए से पूरे जगह को डिवेलप किया गया है। ये भी कुछ ऐसे सबक हैं जो हिंदुस्तान यहाँ से लेकर जा सकता है। नेहा, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में कई जगहों पर जब हम जाते हैं तो पर्यटन को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई बढ़ावा देना चाहते हैं, तो जिस तरह से यहाँ पर विकास हुआ है पूरे इलाके में, जिस तरह से पर्यटकों को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अंदर ट्रिप पर ले जाया जाता है, वो सब ऐसी चीजें हैं। और इसी के साथ जो पिछला हिस्सा है, लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं नेहा, वहाँ पर इस वक्त भी खुदाई चल रही है। वहाँ इस वक्त भी बड़े बड़े ट्रेज हैं। एक ट्रे में सिर्फ सिर रखे गए हैं टूटे हुए, एक में सिर्फ टूटे हुए हाथ। और आप सोचिए किस तरह का काम हो रहा है। चीनी वहाँ लगातार दिन रात लगे रहते हैं खोजने में कि किसके शरीर का कौन सा अंग है, और जोड़ जोड़ कर वापस उन योद्धाओं को बना रहे हैं। उनको अलग अलग प्लास्टिक से, अलग अलग तकनीक से फिर जोड़ा जाता है, और जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको फिर से स्थापित किया जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की मेहनत की जा रही है, किस तरह की कोशिश की जा रही है ताकि जो इसका ओरिजिनल रूप रहा है उसको पाया जा सके। तो ये अब सिर्फ अपने आप ट्रेडिशनल, आपकी जो संस्कृति है, आपका जो इतिहास है, जो आपकी पहचान है, उसको भी आपको समेटना है, उस धरोहर को भी संभालना है। ये एक बहुत बड़ा सबक टेराकोटा वॉरियर्स के जरिए मिलता है, क्योंकि जिस तरह की मेहनत हो रही है इस पूरे म्यूजियम को उस रूप में स्थापित करने में, वो वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। और अंजना, यहाँ पर कितनी देर रहेंगे प्रधानमंत्री? क्या अब उनका ये सफर इस म्यूजियम में पूरा हो चुका है और अगला पड़ाव क्या होगा? यहाँ के बाद वो शिंगशांग मंदिर जाने वाले हैं, और कुछ देर का यहाँ पर उनका पड़ाव है, जिसके बाद शिंगशांग मंदिर उन्हें जाना है। और उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया था, उनकी मुलाकात भी है राष्ट्रपति से नेहा। तो फिलहाल यहाँ पर बस जितनी देर वो देखना चाहें, कुछ फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए वो यहाँ पर जरूर देखना चाहेंगे नजारा, क्योंकि जो भी यहाँ पर जाता है वो तमाम चीजों को, और 3000 तो एक पिट में मैं आपको बता रही हूँ, कुल मिलाकर 7000 योद्धा हैं, और कितनी ऐसी रथें हैं जिनको यहाँ पर निकाला गया है, जिनकी खोज की गई है। जी, घोड़े हैं, रथ हैं, और ये योद्धा हैं, और करीब 7000 ऐसी ये आकृतियां हैं जो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और शायद यही वजह है अंजना कि यूनेस्को ने 1987 में से वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज घोषित किया था। और आप जानकारी भी दे रही हैं, बता भी रही हैं कि भारत को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर वो इस जगह पर भारतीय पहुंचते हैं और देखते हैं किस तरह से जगह का विकास हुआ है पर्यटन के लिहाज से। और शायद यही वजह है, यही बारीकियां शायद मोदी भी देखना चाहते हैं और उसे भारत में किसी ना किसी तरह से शायद छोटे ही तरीके से यहाँ पर लागू करना चाहें। नेहा, क्या आप अपना सवाल दोहरा पाएंगे? जी, सवाल ये है अंजना कि इस जगह पर जाकर और वहाँ की जिस तरह से विकास हुआ है जगह का, इस पर्यटन की लिहाज से जिस तरह से महत्वपूर्ण है, उसे भारत में किस तरह से छोटे तरीके से ही सही लेकिन लाया जाए और यहाँ पर भी जो पर्यटन के स्थल है वहाँ उसे इस तरह से बनाया जाए। जी बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है, और यही
जैसा कि लगातार अभी कल से भी मैं यही कह रही थी कि ये अपने आप में एक ऐसा एग्जाम्पल है, ये ऐसा उदाहरण है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज भी अगर मूर्तियों के अलग अलग हिस्से, और ये चीनी मिट्टी के, कितना फ्राजाइल है, कितना आप कह सकते हैं नाजुक है, आप समझ सकती हैं, अलग अलग हाथ सिर अलग अलग ट्रेज में रखे गए हैं, उनको दिन रात चीनी जोड़ने की कोशिश करते हैं, और उनकी ये कोशिश है कि उस जो ओरिजिनल रूप रहा है, जो आकार इसका रहा है, उसी आकार में वापस इसे लोगों के सामने रखा जाए। तो म्यूजियम को वापस जिस तरह से स्थापित कर रहे हैं चीनी, जिन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है नेहा। और ये एक सबक है जो शायद हिंदुस्तान ले जा सकता है अपने साथ। और ये सबक इसलिए भी नेहा कि आप, जैसा हमने आपको बताया है कि शियान उनका जो पूरा प्रोविंस है, जो ये प्रांत है, ये शांति प्रांत है, उसमें शियान उसकी राजधानी है जहाँ वो आ रहे हैं। कूपिंग का गांव शियान से 100 किलोमीटर दूर है। तो ये पूरा ग्रामीण इलाका है चीन का, और चीन का ग्रामीण इलाका अगर इस तरह का हो सकता है, इस तरह की तैयारी यहाँ पर हो सकती है, तो बहुत सारे सबक हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सीख कर हिंदुस्तान जा सकता है। जो तस्वीरें हिंदुस्तान तक पहुंच रही है उसमें भी हम देखेंगे कि अपने ऐतिहासिक धरोहर को किस तरह से यहाँ पर प्रिजर्व किया हुआ है, जो पूरा टूरिस्ट इलाका है। जी अंजना, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस म्यूजियम में पहुंचकर वहां पर जो ये योद्धा हैं उनकी प्रतिमाएं हैं, लाइफ साइज ये प्रतिमाएं हैं, और लगभग प्रधानमंत्री के कद की ये प्रतिमाएं, और एक एक जगह पर बारीकी से वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरह से इन्हें बनाया गया है। अभी भी कई ऐसी जगह हैं इस म्यूजियम में जहां पर खुदाई का काम चल रहा है, वहां पर चीनी दिन रात जुटे रहते हैं एक एक प्रतिमा को जोड़ने के लिए। अंजना भी यही बता रही थी कि किस तरह से जुझारू तरीके से इस म्यूजियम को और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हजारों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं, लेकिन बेहद सुचारू तरीके से, बेहद ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पर इन पर्यटकों को लाया जाता है, और आसपास जिस तरह से इस म्यूजियम के हर तरीके से ये ध्यान रखा गया है कि किस तरह से पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं उन्हें छूकर, उन्हें देखकर ये जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेहद फ्रेजाइल होता है टेराकोटा। अगर आपको बता दें कि टेराकोटा से बनाई कोई भी चीज़ आसानी से टूट जाती है, और जब इसकी खुदाई का काम चल रहा होगा तो जाहिर तौर पर अलग अलग हिस्सों में ये मूर्तियां पाई गई होंगी, ये प्रतिमाएं पाई गई होंगी, उसके बाद किस तरह से इन्हें एक एक करके जोड़ा गया है। बहुत लंबा ये काम, बहुत मुश्किल ये काम, लेकिन इसे पूरा कर दिखाया है चीनियों ने, और यहीं से प्रेरणा मिलती है, यहीं से सबक मिलता है कि किस तरह से भारत को भी अपनी ऐतिहासिक धरोहर को, अपने पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना चाहिए, किस तरह से उनका विकास करना चाहिए, क्योंकि चीन अपने विकासशील रवैये के लिए जाना जाता है, अपने जुझारू रवैये के लिए जाना जाता है, और शायद इसी का प्रतीक ये म्यूजियम भी है जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, इन टेराकोटा की मूर्तियों को देख रहे हैं। अंजना हमारी संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजना, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं और आप भी जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि अपने आप में ऐतिहासिक महत्वता तो रखती है ये जगह, लेकिन अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि प्रधानमंत्री बारीकी से एक एक मूर्ति को देख रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, उन्हें छू कर देख रहे हैं, क्योंकि शायद यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि टेराकोटा की जो एक मूर्ति होती है, जिसे खुदाई में शायद अलग अलग हिस्सों में पाया गया है, उसे जोड़कर किस तरह से 7,000 प्रतिमाएं तैयार कर दी गई हैं। अंजना, आपको मेरी आवाज मिल रही? बिल्कुल, और यही वो नज़ारा है जो बीते दिन से हम आज तक के दर्शकों को दिखा रहे हैं नेहा, और इसी के साथ बयां भी कर रहे हैं कि किस तरह का दिलचस्प ये नज़ारा है। और कोई भी पर्यटक अगर चीन पहुंचेगा तो सबसे पहले यही नज़ारा देखेगा। एक बार जरा पूरा नज़ारा यहाँ का आपको मैं दिखाना चाहती हूँ नेहा। दूसरी तरफ अगर ताहिर हमारे कैमरामैन दिखाएंगे तो यहाँ पर चीनी तमाम लोग हैं जिनको स्वागत के लिए रोका गया है। यू ऑल नो इंडिया। तो अलग अलग रिएक्शन है लोगों के, यहाँ पर जो आम पर्यटक है उन्हें आज रोक दिया गया है, तो उनके लिए बहुत अच्छा नज़ारा नहीं है। लेकिन दिलचस्प यही है नेहा कि आप जब इस म्यूजियम में जाते हैं और आप
उस अद्भुत नज़ारे को देखते हैं जिसमें चीनी मिट्टी इतनी नाजुक ये मूर्तियाँ हैं और किसी के हाथ टूटा हुआ है, किसी का पाँव टूटा हुआ है। सुरक्षा लेकिन बहुत तगड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं ये तमाम सुरक्षाकर्मी इस वक्त मौजूद हैं जो हमें आगे जाने नहीं दे रहे हैं यहाँ से। लेकिन एक बार ज़रा अपने दर्शकों को अंदर का नज़ारा बताते हैं क्योंकि दिलचस्प वही होगा जानना हिंदुस्तान में बैठे हुए कि आखिर ये म्यूज़ियम और इसके इर्द गिर्द ये जो रोमांच है वो क्यों इस तरह से बढ़ रहा है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बड़ी बारीकी से देख रहे हैं जैसा कि हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। चीनी मिट्टी की बनी हुई है, जो लोकल क्ले यहाँ पर है उसको पकाकर बनाई हुई ये मूर्तियाँ हैं। हॉलो हैं अंदर से, यानी खोखली मूर्तियाँ हैं। कई हिस्सों में आप जाएंगे तो पिछला हिस्सा है उसमें ज़्यादातर मूर्तियाँ ढही हुई गिरी हुई दिखाई देती हैं। एक एक अंग को जोड़ जोड़ कर इन योद्धाओं को चीनी बना रहे हैं। तो दिन रात मेहनत करके जिस तरह से इन्होंने अपने ऐतिहासिक धरोहर को समेटने की कोशिश की है इस म्यूज़ियम के ज़रिए, वो काबिले तारीफ है और वही शायद सबसे ज़्यादा रोमांच प्रस्तुत करता है। तीन अलग अलग पिट्स हैं, बड़े बड़े हॉल्स बना दिए गए हैं और उन हॉल्स में हज़ारों की तादाद में, आज प्रधानमंत्री के लिए खाली किया गया है, बीते दिन की तस्वीरें हमने दिखाई दी, हज़ारों की तादाद में चीन के ही लोग, आसपास के देशों के लोग और दूर दूर से यूरोप और अमेरिका से विदेशी आते हैं यहाँ पर उस को देखने के लिए। आठवें अजूबे के रूप में उसे शामिल किया जा रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि राजा से योद्धा, तमाम चैरियट्स, रथ, घोड़े अलग अलग जो वहाँ पर है और कुछ तो आप देखेंगे जो उनके बेचे जाते हैं सिंबल्स बाहर में, तो जो योद्धा सिर कटा हुआ वाला योद्धा है नेहा, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मशहूर है, जिसमें उनके कपड़े दिखाई दे रहे हैं, हाथ पैर सब कुछ है लेकिन सिर कटा हुआ है, वो योद्धा भी बहुत लोकप्रिय है चीन में। तो कुल मिलाकर जब भी आप उस हॉल में जाएंगे तो एक अद्भुत नज़ारा होता है। 3000 लाइफ साइज, यानी जो आम आदमी है उसके आकार का, मेरे आकार का, इस साइज के इतने सारे चीनी मिट्टी के ये योद्धा बनाए गए हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो वो पूरा नज़ारा बहुत अद्भुत होता है और बड़े ही पैमाने पर किया जा रहा है। जो पिछला हिस्सा है जिसकी तस्वीरें हमने दर्शकों के लिए भेजी थी, उसमें अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। घोड़े को अगर जोड़ना है तो किस एंगल पर, किस अंग को कितनी देर, किस तरह की ग्लू के साथ जोड़ना है, उसके लिए बाकायदा वायरिंग मशीन्स बनाई गई हैं जिसमें उनको फिट करके उनको प्रिजर्व किया जाता है, किस तरह से उन्हें जोड़ जोड़ कर। तो ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है नेहा कि हिंदुस्तान चीन से क्या सीख सकता है। अपने ऐतिहासिक धरोहर को जिस तरह से इन्होंने समेटा है, चीनी मिट्टी यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है। जो विश्व में अगर दो चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा चीन जाना जाता है तो अपने सिल्क के लिए, सिल्क रूट में ये पूरा आता है, और दूसरा उसकी चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जिसे पोर्सिलेन कहते हैं अंग्रेज़ी में, वही चीनी मिट्टी जो लोकल यहाँ पर मिट्टी है, क्ले है, उसको किस तरह से पका कर इन योद्धाओं को बनाया गया है और उन योद्धाओं के ज़रिए एक ऐतिहासिक धरोहर चीन का विश्व के सामने पेश किया जा रहा है, उसको लेकर ज़बरदस्त दिलचस्पी है। तो हैरानी की बात नहीं है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही दिलचस्पी से इस बारे में जानकारी ले रहे होंगे। जितने यहाँ पर टूरिस्ट पहुँचते हैं वो भी किसी ना किसी गाइड को अंदर ले जाते हैं जो उन्हें समझा सके कि आखिर ये है क्या, इसका अर्थ क्या है, चीन के इतिहास में इसका क्या महत्व है। और वही नज़ारा इस वक्त प्रधानमंत्री अपनी आँखों से देखते हुए और उस इतिहास को अपनी आँखों से जीते हुए। नेहा अंजना, आपकी एक रिपोर्ट हम देख रहे थे इस म्यूज़ियम के बारे में। जब भी कोई पर्यटक यहाँ पर पहुँचता है तो गैलरीज बनी हुई हैं, उससे वो इन मूर्तियों को देख पाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मूर्तियों तक पहुँचे। क्या ये जो सुविधा थी ये सिर्फ प्रधानमंत्री को ही उपलब्ध थी, उन्हें ही मुहैया कराई गई, या फिर आम आदमी भी जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो इन मूर्तियों को करीब से देख सकता है? The outside gate, we're still stuck dealing with traffic. Anand Krishnan is now joining me. Anand, बहुत करीब से तो नहीं देख सकता है नेहा, थोड़ी दूरी होती है और बाकायदा बैरिकेड्स और टेरेस बनाए गए हैं जिससे वो नज़ारा दिखाया जाता है आम लोगों को। लेकिन जब हम बीते दिन गए थे तो ये भी अनुभव बड़ा दिलचस्प रहा था। पहले तो आप जैसे ही अंदर घुसते हैं तो आप उसकी भव्य रूप को देखकर, आकार को देखकर और विशालता को देखकर आप सहम जाते हैं, लेकिन जो आम टूरिस्ट रहता है उसके बाद उसकी वही कोशिश रहती है कि जल्दी से कोई सेल्फी खींच ली जाए, जल्दी से किसी योद्धा के साथ मैं अपनी तस्वीर खींच लूँ, या जो योद्धाओं की तस्वीर है उसको वो अपने कैमरे पर उतारते हैं। लेकिन थोड़ी दूर से, इतने करीब से जाकर देखने का ये मौका प्रधानमंत्री के लिए जाहिर तौर पर अलग से किया गया है, क्योंकि ये भी जो दूसरा नज़रिया है वो भी देखिए, चीन का ऐतिहासिक धरोहर, लेकिन इसी के साथ दोनों देशों के रिश्ते, और उन रिश्तों में
बीजिंग से निकलकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का शियान शहर में उनका स्वागत इस तरह से करवाना, जो ऐतिहासिक धरोहर है उसका नजारा दिखाना, ये बयां करता है कि चीन भी अब हिंदुस्तान की तरफ अपने नजरिए को बदलने के लिए किस तरह से आतुर है। वो चाहता है कि इन नज़ारों के जरिए हम कहीं ना कहीं ये दिखा सकें कि प्रधानमंत्री कैसे जुड़ रहे हैं चीन से, दोनों देशों में जो रिश्ते हैं, जो शक की गिरहें हमेशा से दोनों देशों को परेशान करती रही हैं, वो एक तरह से खत्म हो जाए इन तस्वीरों के साथ। तो ये वो तमाम कोशिशें हैं जो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं, और उसी का ये एक नज़ारा है कि प्रधानमंत्री के लिए अलग से ये मौके उन्हें दिए जा रहे हैं कि वो ज़्यादा करीब से जाकर देख सकें। नहीं तो पीछे वाला जो हिस्सा है नेहा, यहाँ आगे में तो फोटोग्राफी भी थोड़ी बहुत लोग अपने कैमरे से कर लेते हैं, जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर बड़ा बड़ा नो कैमरा लिखा हुआ है, जहाँ पर वो असल में इन मूर्तियों को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, उस हिस्से में नो कैमरा अलाउड बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि किस तरह से वो मेहनत कर रही है, जो बैकग्राउंड एफर्ट उसके लिए कोशिशें हो रही हैं उसको बहुत ज़्यादा दिखाया जाए। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, बहुत करीब से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और दोनों देश एक नए रिश्ते के आगाज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और पहली बार शी जिनपिंग अपने गृह प्रांत में पहुंचकर शियान में, शांसी प्रोविंस की राजधानी शियान में उनका स्वागत कर रहे हैं। नेहा जना, बने रहिए हमारे साथ, अपने दर्शकों को इस बीच एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम का इतिहास समझ रहे हैं। बहुत ही बारीकी से एक एक मूर्ति तक जाकर, एक एक प्रतिमा तक जाकर वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से टेराकोटा से इन प्रतिमाओं को बनाया गया है। अंजना, चीन हमेशा से ही अपने विकास के लिए जाना जाता है, अपनी जुझारू प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है, क्या समझे टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम उस बात का प्रतीक है, और यही वजह है कि बहुत ज्यादा महत्ता दी जाती है शियान शहर में इस म्यूजियम को। बिल्कुल, बल्कि पूरे चीन में नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ताहिर, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि एक पर्यटक के रूप में अगर हिंदुस्तान से कोई आएगा तो क्या नज़ारा दिखेगा, ये हिस्सा देखिए। यहीं से लोग टिकट लेते हैं, कतारों में इकट्ठा होते हैं, और आज भी जो लोग, जानकारी नहीं थी जिन्हें कि आज प्रधानमंत्री आने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए थे नज़ारा देखने के लिए। तो ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं, और यहाँ के लोकल लोग भी हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हैं, और भारी तादाद में भारतीय मीडिया यहाँ पर मौजूद है। इधर सुरक्षाकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मियों की ये कोशिश है कि इस हिस्से से आगे कोई नहीं जाए। अब ये वाला हिस्सा ज़रा ताहिर को मैं कहूँगी आपको दिखाएं कि ये देखिए, ये सुरक्षाकर्मियों के आगे ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहीं से वो गेट है जिससे आगे पर्यटक जो यहाँ पर पहुँचते हैं, लोग जाते हैं, और यहाँ दाई तरफ आगे में वो हिस्सा है जहाँ से किसी भी गाइड को लेकर वो आगे जाते हैं, और यहीं से बिल्कुल लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है जो पैदल लोगों को चलना पड़ता है, और पैदल चलने के बाद ही वो उस म्यूजियम तक पहुँचते हैं। तो फिलहाल सुबह का नज़ारा यहाँ पर यही है कि जो चीनी जानते थे कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं और आज बंद कर दिया गया है ये आम लोगों के लिए, वो तो अपने घरों पर हैं, लेकिन जो लोग जाना चाहते थे वो यहाँ पर आकर उन्हें रोक दिया गया है। फिलहाल सुरक्षा के ज़बरदस्त इंतज़ाम किए गए हैं जो कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो तमाम पुलिस वाले हमें यहाँ से आगे अब जाने नहीं दे रहे हैं। इनकी ये गुजारिश है कि मीडिया इसी हिस्से में रहे। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही जैसे ये म्यूजियम खुला है, और सुबह की शुरुआत उन्हीं के साथ हो रही है। नेहा जी, बिल्कुल अंजना, जिस तरह से आप जानकारी दे रही हैं कि सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम वहां पर, आम जनता के लिए आज टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम नहीं खुला हुआ है। अंजना, लेकिन जो तस्वीरें हमने अब से कुछ ही देर पहले देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो जहाँ भी जाते हैं, चाहे चीन हो या फिर बाकी कई देश जहाँ पर वो यात्रा के लिए पहुँचे, वहाँ पर ऐतिहासिक धरोहर या फिर उस देश की, उस शहर की जो ऐतिहासिक महत्ता है उस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। हाँ,
बिल्कुल नेहा, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत का भी एक हिस्सा है। उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि एक अलग कलर, जिसे हम कहते हैं एक अलग रंग, किसी भी ऐसे विदेशी ट्रिप को दिया जाए। वो अगर फ्रांस जाते हैं तो, चाहे वो कनाडा जाते हैं तो, हालांकि भारतीयों से जब वो अप्रवासी भारतीयों से वहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं तो एक अद्भुत नज़ारा होता है। लेकिन चीन के इस ऐतिहासिक धरोहर के महत्व को समझना होगा। जब मैं आम चीनियों से इसके बारे में बात करती हूँ तो, हालांकि भाषा की दिक्कत यहाँ पर हमेशा रहती है, अंग्रेजी बोलने वाले अभी भी चीन में आपको एक युवा पीढ़ी है जो थोड़े बहुत शब्द सीख रही है, लेकिन अभी भी बहुत दिक्कत है। कम्युनिकेशन एक ऐसी दिक्कत है और इसीलिए इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल्स यहाँ पर बहुत सारे, लेकिन वो एक अलग हिस्सा है। वापस उस मुद्दे पर पहुँचते हुए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि एक प्रतीक बनाया जाए, एक एक प्रतीक के जरिए लोगों से जोड़ा जाए, और इससे बेहतर प्रतीक नहीं हो सकता था। ये म्यूजियम 1974 में ही इसकी खोज हुई है, और जिस तरह से चीनी इससे जुड़ते जा रहे हैं, उनका मानना है कि एक तरह से उनका जो ऐतिहासिक धरोहर रहा है, चीनी मिट्टी, पकी हुई मिट्टी की इस तरह की मूर्तियाँ हो सकती हैं, इतना अद्भुत नज़ारा हो सकता है, इतने विशाल वो हो सकते हैं और इतनी अच्छी तस्वीर बन सकती है, भव्य वो लग सकता है। ये चीनी इस पर ज़बरदस्त गर्व करते हैं, और इसीलिए समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसे प्रतीक बनाया है और इससे शुरुआत की है, तो वो किस तरह से चीनी लोगों से जुड़ने के लिए एक भावनात्मक स्तर पर, एक भावुक स्तर पर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी की एक ऐसी कोशिश है जो हमेशा दिखती है और वही एक बार फिर से दिख रही है, चाहे वो गोंडोला राइड के जरिए करने की कोशिश हो, चाहे अन्य देशों में वहां पर पहुंचकर जो एक आम पर्यटक जिस तरह से उस देश को देखता है, उस नजरिए से देखने की जो कोशिश है। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि कूटनीति सिर्फ पर नहीं, सिर्फ औपचारिक बातचीत में नहीं, कूटनीति कैमरे के लेंस के जरिए भी होती है, और इस कला को, इस हुनर को मोदी से बेहतर कौन जान सकता है। नेहा जी और अंजना, जो तस्वीरों में हम इस वक्त देख पा रहे हैं, जो शीशे में बंद मूर्तियां हैं वहां पर, वो भी इस म्यूजियम का हिस्सा है, उन्हें इस वक्त नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। उनकी क्या खासियत है, क्या वो जो खुले में मूर्तियां हैं उनसे कुछ अलग है, उनकी क्या महत्वता है? महत्वता यह है कि जो खास तौर पर जो एम्परर्स, जो बड़े बड़े राजा थे, उनकी मूर्तियों को इस तरह से अलग रखा गया है, और भी ऐसी कई मूर्तियां हैं जिनमें बहुत दरारें थी, उनको प्रिजर्व करके रखने की कोशिश है। कुल मिलाकर नया पूरी कोशिश, अगर आप इस म्यूजियम के तमाम पिट्स में जाएंगे और देखेंगे, तो उनकी कोशिश यही है, जो मूर्तियाँ इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं जो शीशे के केस में बंद है, कोशिश यही है कि सबको प्रिजर्व करके ऐसे रखा जाए कि ये आज के लिए नहीं है, ये आने वाले सदियों के लिए है, और उन सदियों में कैसे इसको प्रिजर्व करके आगे बढ़ाया जाए। जिन पिट्स की तस्वीरें हमने भेजी थी, उसमें उन कई सारे ऐसे पिट्स हैं जिसमें अभी भी काम चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अगर उनको लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन चाहिए तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि आखिरकार ये चीनी मिट्टी की बनाई हुई चीज़ें हैं नेहा, बहुत ही फ्रेजाइल हैं, बहुत ही नाजुक हैं, और उनका टूटना, बिखर जाना, फिर से जोड़ना बहुत ही बड़ी मुश्किल होगी। तो कुल मिलाकर प्रिजर्व करने के नज़रिए से कैसे उसको बेहतर आकार दिया जाए, और जो 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 पौराणिक कथाएँ यहाँ पर इस पूरे इलाके में आप पहुँच जाइए, आप लोगों से बातचीत करेंगे, चीनी जो है वो सबका अलग अलग वर्जन होता है इस पर, कि एक राजा थे वो अमर होना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने पूरी योद्धा यहाँ सेना खड़ा की थी योद्धाओं की, जिसमें रथ वाले भी थे, इन्फेंट्री आगे में थी यानी पैदल चलने वाले सेनानी, तो अलग अलग आपको उसके वर्जन्स मिलते हैं। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर नजर बनाए रखिए, बेहद दिलचस्प जानकारियां आपने वहां पर टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम से हमारे दर्शकों को दी। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, वो हम आपको बता दें कि उसे नीलिंग वॉरियर कहा जाता है। जो ग्लास में बंद आप एक योद्धा की तस्वीर देख रहे थे, वो दरअसल नीलिंग वॉरियर है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही ध्यान से देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे।